स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। कि मान लिया हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसकी मोशन कैसी होगी, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया। यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है दैट इज एक्स, वो एक्स डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। और यहाँ पर हमने आगे एक स्क्रीन लगा दी जहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल आगे जाके हिट करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यू से नोट किया। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई ना करें, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हिट करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर स्क्रीन को हिट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के कारण वो उसका पाथ है वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। और जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकलता है फिर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा और हिट द स्क्रीन एट पॉइंट एस। तो इस चीज़ को हमने आज मैथमेटिकली सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं When electric field is applied, the force acting on the charge Q is given by। तो हमें पता है electric field intensity हमने किया था किसके equal थी, force per unit charge। अगर हम force की value देखेंगे किसके equal होगी, charge into electric field। तो हमारे पास जो force लगेगा किसी भी charge particle के ऊपर वो किसके equal होगा, Q E के। तो Q क्या है यहाँ पर, charge का magnitude, और E क्या है, electric field। तो हम इसको इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इन द चार्ज इज गिवन बाय। तो एक्सेलेरेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज करके। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये हमने इक्वेशन टू मान ली। तो ये जो फोर्स है वो सेम चार्ज के ऊपर है, तो यहाँ पर एफ और एफ इक्वल है तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन वन और टू को अगर इक्वेट करें या कंपेयर करें तो हमारे पास मास इनटू एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल होगा, क्यू ई के। अगर हम यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू देखेंगे, क्यू ई, और एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये मान लेते इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चार्ज है मान लेते टेक्स टाइम टी, ये टी टाइम लेता है टू कवर द डिस्टेंस एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में वो जो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो डिस्टेंस कहाँ पर है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हम इक्वेशन नंबर फोर कंसीडर कर सकते हैं। अब जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कुछ ऊपर की ओर पैराबोलिक पाथ कवर करेगा और वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक डिस्टेंस कवर करेगा। उसकी वैल्यू को अगर हमें देखना है तो फॉर वर्टिकल मोशन वी यूज, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर उसका देखें तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर डिस्टेंस देखें ये एस किसके इक्वल है, वर्टिकल में वाई के इक्वल, तो हम वाई पुट कर सकते हैं। तो यहां पर u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस में हाफ एक्सेलेरेशन। a की वैल्यू हम इक्वेशन थ्री से पुट करेंगे, क्या u e by में m, और यहां पर t स्क्वायर, ठीक है, ये t स्क्वायर है तो t स्क्वायर। अब यहां पर देखो जीरो प्लस समथिंग तो समथिंग, मैंने y की वैल्यू क्या पुट कर दी, हाफ क्या u e by m into t स्क्वायर। अब अगर हम देखें यहां से इक्वेशन फोर से अगर t की वैल्यू देखें किसके इक्वल होगी, x by में v, तो यहां पर x by v पुट करें तो ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम्स y इज इक्वल टू हाफ क्यू e by m इंटू में t स्क्वेयर, t का स्क्वेयर है यानी x का भी स्क्वेयर और v का भी स्क्वेयर, x स्क्वेयर by v स्क्वेयर। अब अगर हम इस इक्वेशन में
वाई इज इक्वल टू देखें क्यू, कितना चार्ज लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कॉन्स्टेंट। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है, दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट। और वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा, दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वेयर, तो अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये कॉन्स्टेंट के लिख सकते हैं साथ में एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो वहां पर नंबर वन क्या होगा, इट विल एक्सलेट, हमेशा एक्सलेट भी करेगा। और नंबर टू क्या है, मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, एक पैराबोलिक पाथ भी कवर करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, चार्ज को एक्सेलेरेट भी करेगा, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, और दूसरा चार्ज पार्टिकल को एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम सोल्व करेंगे कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो क्या है, एक हेलिकल पाथ कवर करेगा। ठीक है, तो हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों फोर्सेस के कारण मोशन का पता चल जाएगा तो हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो वहां पर साइक्लोट्रॉन के अंदर हम दोनों फोर्स को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो वहां पर हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास, इनको जरूर आना चाहिए जब हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।